नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। बेसन की बर्फी छोटों से लेके बड़े सबको बहुत पसंद आती है और आज मैं आपको बिना मावे के, बिना मिल्क पाउडर के, बिना दूध मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फी सिखाने वाली हूँ। दोस्तों, ये बर्फी बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया तैयार होती है। इसे हम केवल 3 ही सामग्री से बनाने वाले हैं, बेसन, शक्कर और घी। फिर भी दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बर्फी तैयार होती है। तो चलिए मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फी बनाना शुरू करें। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इस प्रकार से जो हैवी बॉटम वाली कढ़ाई होती है, हमें वही लेनी है। उसके अंदर मैं 1 कप बेसन ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो 200 ml का मेजरिंग कप है, वो नाप से 1 कप बेसन लिया है। दोस्तों, आपके घर में जो भी कटोरी हो, वो कटोरी का नाप से भी आप इसे बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जितना हमने बेसन लिया है, उससे मैं आधा घी डाल देती हूँ। दोस्तों, जितना हमने बेसन लेना है, वो कटोरी के नाप से आप आधा घी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे शुद्ध घी का उपयोग किया है। दोस्तों, आप हो सके तो ज़्यादा फैट वाला घी होता है, जो भैंस का घी होता है, आप उसी का उपयोग करें। मिठाई बनाने के लिए गाय के घी का उपयोग ना करें, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैं दोनों सामग्री को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने इसे धीमी आंच के ऊपर गर्म करने के लिए रखा है। हमें बेसन को एकदम धीमी आंच के ऊपर ही सेकना है। जब आप ये मिठाई बनाएं, तभी इस बात का पूरा ध्यान रखिए, बेसन का जो रंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हमें इसे एकदम धीमी आंच के ऊपर ही सेकना है। करीबन 1 मिनट हो चुका है और बेसन को सेकने की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखे दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी इसका रंग चेंज होने नहीं दिया है और ये बेसन बहुत ही अच्छे से सेक चुका है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ। जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 1 कप शक्कर डाल देती हूँ। दोस्तों, हमने जिस नाप से बेसन लिया था, वही नाप से मैं शक्कर ले रही हूँ। अगर आपने घर में कोई भी कटोरी का नाप लिया होगा, तो जितना आप बेसन लेते हैं, उतना ही आपको शक्कर लेना है। अब मैं इसमें शक्कर डूबे उतना ही पानी डालूंगी। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो चाशनी को बनने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसमें शक्कर डूबे उतना ही पानी डालूंगी। अब मैं इसे गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे मैं धीमी आँच के ऊपर गर्म कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमें शक्कर को धीमी आँच के ऊपर पिघलाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शक्कर को हम स्टर करते हुए कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, शक्कर पिघल चुकी है और इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। मैं चाशनी को धीमी आंच के ऊपर ही बना रही हूँ। मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ। चाशनी की 1 बूंद 1 प्लेट के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, चाशनी थोड़ा स्टिकी होना शुरू हो चुकी है। जब ये स्टेज आ जाए, तभी चाशनी का तार तुरंत तैयार हो जाता है। जब भी आप चाशनी बनाएं, तब इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए। अब मैं चाशनी को वापस चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केवल आधा तार ही हो रहा है, पूरा तार नहीं बन रहा है। हमें इसे केवल थोड़ी ही देर के लिए कुक करना है। अब मैं वापस चाशनी को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ड्रॉप को प्लेट के ऊपर डाला, तो ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, एक जगह पर ही रह चुका है। इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। फिर भी हम एक बार हाथों से चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 तार हो रहा है, इसका तार नहीं टूट रहा है। इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ।
अभी हमने जो बेसन सेका था वो कढ़ाई में ले लेती हूँ और उसके अंदर हमने जो चाशनी तैयार की है वो डाल देती हूँ। अब मैं दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारी दोनों सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं गैस की आंच को शुरू कर देती हूँ और इसे कुक कर लेती हूँ। दोस्तों, जब भी आप ये मिठाई बनाएं तभी दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर ही आप गैस को चालू कीजिए। इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। मैं इसे धीमी आंच के ऊपर ही सेकूंगी। हमें बिल्कुल भी आंच को तेज़ नहीं करना है क्योंकि हमें ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया चाहिए। इसके लिए हम इसे धीमी आंच के ऊपर ही कुक करेंगे। आधा मिनट हो चुका है और मिश्रण अच्छे से सेक लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ और सारी सामग्री को मिला के इसे अच्छे से सेक लेंगे। दोस्तों, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल वही स्टेप आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। आपकी भी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया तैयार होगी। घी डालने के बाद में आधा मिनट हो चुका है और मिश्रण सेक चुका है। अब मैं इसमें वापस 1 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ। टोटल मैं इसमें 3 टेबलस्पून घी डालने वाली हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करके सेक लेंगे। दोस्तों, आप बिल्कुल भी आंच को तेज़ मत कीजिएगा, धीमी आंच के ऊपर ही इसे सेकिएगा। अगर आपने इसे तेज़ आंच के ऊपर सेका तो चाशनी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी और हमें जो मुलायम मिठाई चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए और मिठाई को तैयार कीजिए। दूसरी बार घी डाल के भी मैंने आधा मिनट सेक लिया है। अब मैं इसके अंदर आखिरी बार 1 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ और इसे आधा मिनट के लिए सेक लेंगे। आधा मिनट सेकने के बाद में मैं मिश्रण को थोड़ा सा प्लेट के ऊपर ले लेती हूँ और इसे हम अच्छे से मिला के देख लेंगे कि ये मिश्रण का गोली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये मिश्रण बहुत ही गर्म है तो आप इसे संभाल के हैंडल कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मिश्रण के एक बॉल शेप में तैयार हो चुका है। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं आँच को बंद कर देती हूँ और मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए मेरे पास ये ट्रे है, मैंने वो ले ली है और इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अभी हमने जो बेसन की बर्फ़ी तैयार की है उस मिश्रण को मैं ट्रे के अंदर डाल देती हूँ। दोस्तों, अगर ये मिश्रण आपको बहुत पतला लगता होगा पर जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसके आसानी से पीसेस कट कर पाएंगी और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं ये मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ और फिर हम इसे गार्निश करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और मिश्रण ठंडा हो चुका है। उसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए बादाम डाल देती हूँ। बारीक कटे हुए पिस्ता। दोस्तों, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है पर बर्फी हमेशा इस प्रकार से सजा के सर्व करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगी, इसलिए मैं इस पे ऐड कर रही हूँ। मैंने बादाम और पिस्ता को बर्फ़ी के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और फिर हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और बर्फ़ी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, मैं हाथ लगाती हूँ फिर भी ये सेट हो चुकी है, पर अभी ये थोड़ी सी गर्म है, हम तभी ही इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से इसके पीसेस कट हो रहे हैं। आप चाहें वो शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं हमेशा इस प्रकार से फिंगर शेप में ही ये बर्फी को बनाती हूँ। मैंने बर्फी के पीसेस को कट कर लिया है। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो चुका है और बर्फी के पीसेस बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं।
दोस्तों हमने जहाँ पे कट लगाए थे वहाँ पे हम वापस एक बार कट्स दे देंगे, इससे हमारे पीसेस बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएंगे। मैंने बर्फी के सारे पीस को कट कर लिया है, अब मैं आपको इसे बाहर निकाल के बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं। पर दोस्तों मेरा थोड़ा सा हाथ हिल गया तो ये बर्फी का पीस अनइवन हुआ है, मैं इसे अच्छे से लेवल कर लेती हूँ। अब मैं आपको बाकी के पीस भी निकाल के बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से सारे पीस बाहर निकल आते हैं, और कोई नहीं कहेगा दोस्तों कि हमने इसे बेसन घी और शक्कर से ही बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी और मुलायम बर्फी तैयार हुई है। दोस्तों अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप इसको खाते ही रहेंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने सारे बर्फी के पीसेस को निकाल लिया है, अब मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बर्फी तैयार हुई है। दोस्तों बिना मावा, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर के भी ये बर्फी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम तैयार हुई है। अगर आपने इसे घर में सबको सर्व किया तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसमें ये सारी चीज़ें नहीं डाली हैं और फिर भी बर्फी इतनी सॉफ्ट बनी है। हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस बेसन की बर्फी जो केवल 3 सामग्री से तैयार हुई है, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को बनाइए और